नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक LG का 28 इंच LED TV आया हुआ है। तो इस TV में एक प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। पर प्रॉब्लम को दिखाने से पहले मैं आप लोगों से एक दो बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरह का TV आने से आप लोगों को हाथ नहीं लगाना है, सीधा कस्टमर को रिटर्न कर देना है इस तरह का TV आने से। क्योंकि ये TV आपको बाद में फ़ायदा तो नहीं, लॉस करके जाएगा। क्योंकि इसका जो फॉल्ट है, मैं अभी आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं अभी ऑन कर रहा हूँ TV को, आप लोग देखिए और इसको समझिए क्या फॉल्ट है। तो इस तरह का फॉल्ट आने से आप लोगों को बिल्कुल रिसीव नहीं करना है, हो सके तो रिटर्न दे देना है। ये जो फॉल्ट है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए TV में, इस तरह का फॉल्ट देखिए। ये अच्छा कंडीशन में आ रहा है, फिर से ख़राब होगा। ये अच्छा है, फिर से ख़राब होगा। तो इस तरह का फॉल्ट ज़्यादातर रिपेयरिंग हो जाता है, पर इस तरह का फॉल्ट का टीवी को हाथ नहीं लगाना है। इस फॉल्ट को नहीं बता रहा हूँ, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, इस साइड में देखिए, मैं इसका वीडियो सिग्नल ऑफ कर देता हूँ तो आप लोगों को अच्छा से दिखाई देगा। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ एक वाइट कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये है वाटर डैमेज। आप थोड़ा इधर से देखिए, इस तरफ से देखने से आप लोगों को अच्छी तरह दिखाई देगा, ये है वाटर डैमेज। इस तरह का फॉल्ट आने से आपको TV में हाथ नहीं लगाना है, वरना क्या होगा, इस तरह का TV में आपका फ़ायदा तो दूर का बात है, लॉस ज़्यादा होगा। अगर आपने इस तरह का TV को रिपेयरिंग करने के लिए कोशिश किया तो जो पिक्चर आ रहा है वो भी चला जाएगा, और जब पूरा पिक्चर चला जाएगा तो आपको कस्टमर को पहले का कंडीशन में ला के देना होगा, या उसको नया डिस्प्ले डाल के देना होगा। इसलिए इस तरह का वाटर डैमेज वाला, पैनल में वाटर डैमेज वाला फॉल्ट आपको बिल्कुल रिसीव नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। कस्टमर को डायरेक्ट बोलना है कि डिस्प्ले चेंज करना है तो कीजिए, वरना इसमें रिपेयरिंग नहीं होगा, उसको रिटर्न कर देना है। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट है ये बहुत ही ख़राब कंडीशन का फॉल्ट है, इस तरह का फॉल्ट में हाथ नहीं देना ही ठीक है। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा टिप्स, ताकि जो बिगिनर्स है, जो नए नए इस फील्ड में उतरे हैं, जिसको मालूम नहीं है डिस्प्ले कैसे रिपेयर किया जाता है, और रिपेयर करते हैं भी तो क्या क्या टाइप से ठीक करते हैं, YouTube में तो ढेर सारा वीडियो है, 2 मिनट में डिस्प्ले रिपेयर कर देते हैं, और ज़्यादातर बिगिनर्स लोग वही वीडियो देखकर डिस्प्ले रिपेयर करने जाते हैं, तो क्या होता है, उल्टा ज़्यादा डैमेज होता है। तो उससे पहले अच्छा से सीखना है, उसका बाद ही हाथ लगाना है किसी का TV में, क्योंकि एक एक डिस्प्ले का बहुत दाम होता है। टेलीविज़न का जो प्राइस होता है, उसका आसपास ही एक डिस्प्ले का प्राइस होता है। इसलिए इस तरह का TV को हाथ नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं फिर लेके आता रहूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।